भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। बरेली के कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगा रही साक्षी मिश्रा को आज अपने पिता से जान का खतरा है। बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने दलित जाति के एक लड़के से प्यार किया, जिसके बाद हॉरर किलिंग का डर सता रहा है। हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों, कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का। रसूखदार ताकतवर पिता से डरी साक्षी ने सोशल मीडिया में दो वीडियो शेयर किए। दूसरे वीडियो में भी साक्षी कार में है और अकेले नजर आ रही है, जहां वो पिता से अपनी जिंदगी की गुहार लगा रही है। बरेली के मंत्री, सांसद, एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। प्रयागराज का ये वो राम जानकी मंदिर है जहां बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और अजितेश ने शादी की थी। दोनों के शादी का प्रमाण पत्र भी है जिसमें शादी की तारीख इसी साल 4 जुलाई दर्ज है। लड़का एक दलित परिवार का था, लड़की संपन्न दिख रही थी और वकीलों के दबाव में आ करके मैंने शादी करवाया था। उसमें कई वकील थे, 2-3 वकील थे जो दबाव डाले कि नहीं कराइए, तो मैं शादी उसको कराया था। साक्षी का आरोप है कि शादी के बाद से ही विधायक पिता राजेश मिश्रा ने अपने गुर्गों को पीछे लगा दिया है, जिसकी वजह से साक्षी और अजितेश अंडरग्राउंड है। दोनों को विधायक की ताकत का अंदाजा है, यही वजह है कि खुद को बचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर दो वीडियो शेयर किए, जिसमें साक्षी सीधे सीधे अपने पिता और उनके साथियों का नाम लेकर जान के खतरे की आशंका जता रही है। ये वीडियो अब वायरल हो चुके हैं। वही मामला सामने आने के बाद विधायक ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बेटी बस अब इतना चाहती है कि घर वाले उसे चैन से अपने प्यार के पास रहने दें। उन्हें डर है कि कहीं उनकी जिंदगी भी हॉरर किलिंग का शिकार ना हो जाए।